तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एडोब फोटोशॉप को ओपन कर लेंगे। उसके बाद फाइल मेनू पर जाकर, ओपन पर जाकर, डेस्कटॉप पर या जहां भी हमारा कोई फ़ोटो वगैरह पड़ा है उसको हम सेलेक्ट करके फोटोशॉप में ले आएंगे। इसके बाद आता है इसका साइज। फिर हम क्रॉप टूल पर जाकर इसका साइज सेट कर लेंगे। हम अपनी ज़रूरत के मुताबिक जो भी साइज सेट करना है वो साइज सेट कर लेंगे। मान लो हमें नॉर्मली पासपोर्ट साइज फ़ोटो बनाना है तो हम 1.2 ब्रेड्थ और 1.5 इंच हाइट रखेंगे और रेजोल्यूशन 300। अब हम क्रॉप टूल से ठीक से इस फोटो को क्रॉप कर लेंगे। ठीक, फोटो क्रॉप हो गया हमारा। अब हम न्यू पे जाकर A4 साइज का पेपर सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक, कलर हमारा RGB होना चाहिए, वाइट बैकग्राउंड होगा। ठीक, इसके बाद हम मूव टूल पर जाकर फोटो को शीट के ऊपर ले आएंगे और इस पर अब हमें स्ट्रोक, अगर आउटलाइन लगानी है जिसे हम स्ट्रोक कहते हैं, तो एडिट मेनू पर जाकर हम स्ट्रोक पर क्लिक कर देंगे और स्ट्रोक का साइज यानी विड्थ उसकी जो भी चाहिए आपको, 3 पिक्सल, 2 पिक्सल, मान लो मुझे यहाँ 4 पिक्सल चाहिए, उसका जो भी कलर सेलेक्ट करना है वो कस्टम जाके आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं, कोई भी कलर, जिस कलर को भी आप चाहें। मान लो मैंने ब्लैक साइज को सेट किया है कलर को, ठीक है, ओके कर दूंगा मैं। और इसको ओके करने पर देखा आपने कि एक आउटलाइन हमारे फोटो के चारों तरफ आ चुकी है। अब हम इस फोटो को एक सही जगह पर रखकर आसानी से क्या करेंगे, अब हम कंट्रोल अल्ट टी फॉर टाइगर, जैसे इसको करते हैं इसके चारों तरफ एक कंट्रोल अल्ट टी, इससे क्या होता है इस फोटो के चारों तरफ एक लेयर बन जाती है। और हम अल्ट दबाकर अल्ट के साथ एरो की का प्रयोग करते हैं और आसानी से फोटो दूसरी जगह, एक दूसरी कॉपी को मूव करा देते हैं। अब यहाँ पर हमें ध्यान रखना है कि कितनी दूरी इन दोनों फोटो के बीच में चाहिए, जितनी दूरी चाहिए उतनी पर हम इसको ले जाकर मूव करा लेंगे। उसके बाद एंटर बटन को दबाएंगे, उससे क्या होगा एक लेयर की कॉपी बन जाएगी और एक शॉर्टकट जनरेट हो जाता है। इसको हम बार बार प्रयोग करते हैं, कंट्रोल अल्ट शिफ्ट प्लस टी, टी फॉर टाइगर, कंट्रोल अल्ट शिफ्ट प्लस टी। जैसे ही हम टी बार बार दबाते हैं उतनी ही समान दूरी पर एक नया फोटो पेस्ट होता हुआ चला जाता है। इस शॉर्टकट से फ़ायदा यह होता है कि फ़ोटो के बीच की दूरी बिल्कुल सेम रहती है। दोस्तों शॉर्टकट से ये फ़ायदा होता है कि हम अगर नॉर्मली अल्ट से कॉपी करते हैं किसी दूसरे फ़ोटो को तो दो फोटो के बीच में हमारी कहीं पर गैप ज़्यादा हो जाती है या कहीं पर कम हो जाती है, फ़ोटो की लाइन ऊपर या नीचे हो जाती है। परंतु अगर हम कंट्रोल शिफ्ट अल्ट के साथ टी का प्रयोग करते हैं तो बार बार हमारा फोटो सेम, बिल्कुल सेम जगह पर, सेम दूरी पर पेस्ट होता हुआ चला जाता है। इस टाइप से हम आसानी से फोटो बना सकते हैं। यदि किसी व्यक्ति को मान लो 12 फोटोज की ज़रूरत है तो क्या करेंगे हम, कंट्रोल शिफ्ट ई, ई फॉर एग, जैसे ही इसको दबाएंगे इस टोटल फोटो की लेयर पर एक लॉक लग जाएगा और जैसे ही हम अल्ट दबाकर नीचे की ओर खिसकाते हैं वैसे एक दूसरी लेयर, पूरी कंप्लीट लेयर बनकर नीचे पेस्ट हो जाती है। इसी टाइप से हम जितनी भी बार चाहें, उतनी भी बार चाहें, हर बार अल्ट दबाकर एक नई लेयर को कॉपी करा सकते हैं। यानी हम आसानी से बहुत सारे फोटो कम समय में हम तैयार कर सकते हैं। अब हमारे पास जो भी प्रिंटर होगा हम उस प्रिंटर को सेलेक्ट करके प्रिंट पे जाकर सीधे सीधे उसकी सेटिंग्स कस्टमाइज करके अपने अनुसार और आसानी से फोटोज़ को प्रिंट करके कस्टमर को दे सकते हैं। ठीक है, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।